चुई लेनोवो क्वेट प्लस जो कि लोएस्ट प्राइस में आपको डुअल कैमरा विद फिंगरप्रिंट सेंसर देता है। पर गाइस कुछ दिनों एक्सपीरियंस करने के बाद, कुछ दिन चलाने के बाद मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि इसमें कुछ ऐसी 5 प्रॉब्लम हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं। इसकी पहली प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो है इसकी मोबाइल हीटिंग प्रॉब्लम। जैसे ही आप इसे चार्ज करेंगे आपका मोबाइल, आप देखेंगे कि आपका मोबाइल हीट हो रहा है प्लस आपका चार्जर भी हीट होगा। तो गाइस ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिनों ये नए मोबाइल में ऐसा होता है। जैसे ही आप कुछ दिन चलाएंगे, कुछ दिन चार्ज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल में कोई गैलरी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मोबाइल में इनबिल्ट आती है, इसलिए मोबाइल में इसमें एक फोटो करके ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से आप अपनी गैलरी को यूज कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से कोई भी गैलरी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम यह है कि इसमें डुअल स्पीकर डिज़ाइन दिया हुआ है। जब ये फ़ोन मेरे पास आया मुझे भी लगा कि इसमें डुअल स्पीकर डिज़ाइन है, पर इसमें डुअल स्पीकर डिज़ाइन नहीं है। आपको बता दूं कि सिर्फ इसमें राइट साइड पर ही स्पीकर है, जो लेफ्ट साइड पर है वो सिर्फ डिज़ाइन है। शुरू में आपको लगेगा कि शायद इसमें 2 स्पीकर हैं और आपका एक स्पीकर काम नहीं कर रहा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही स्पीकर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके LED लाइट के बारे में। इसमें LED लाइट दी हुई है, बस ये यूज़ तभी कर सकते हैं जब आपका मोबाइल चार्ज हो रहा हो, तभी ये LED लाइट जलती है। पर आने वाले समय में अपग्रेड होने के बाद ये हो सकता है कि अदर्स फ्यूचर में भी ऑन ऑफ होने लगे। अब बात करते हैं इसके वीडियो स्टेबलाइजर के बारे में। तो गाइस मैं बता दूं कि आपने देखा ही होगा, जैसे ही हम कोई भी वीडियो बनाते हैं वो काफ़ी सेकी टाइप की वीडियो बनती है। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए फिलहाल मैं एक छोटी सी वीडियो बनाता हूं, एंड पॉज रिकॉर्ड एंड ऑफ। अब आप देखेंगे कि ये वीडियो कितनी सेकी बनी हुई है।